जामनगर खाते गुरुद्वार गुरु सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह जी की 357मी जन्म जयंती धामधूमपूर्वक उजवणी करवामां आवी हती। तारीख 29 डिसेम्बरना रोज सवारे 8 वागे गुरुद्वाराथी जीजी हॉस्पिटल सुधी नगर कीर्तन रूपे जई गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा ने फूलहार अर्पण करवामां आव्या हता, जेमां जीजी हॉस्पिटलना सुप्रिंटेन्डेंट डॉक्टर दीपक तिवारी, डॉक्टर अजय तन्ना तथा हॉस्पिटलना स्टाफ और एक सार्मीबेन गुरुद्वारनी संगतनी हाजरी में हॉस्पिटल खाते प्रार्थना करवामां आवी हती, जेमां हॉस्पिटलना दर्दीओ स्वस्थ जल्दी ठीक थाय एवी प्रार्थना करवामां आवी हती। गुरुद्वारा खाते आज रोज सेज पाठजीनी समाप्ति सवारे 10:30 वागे करवामां आवी हती, ते पछी शब्द कीर्तननुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। छत्तीसगढ़थी विशेष रूपथी पधारेला भाई साहेबजीए शब्द कीर्तन कर्युं हतुं। आ कार्यक्रममां मोटी संख्यामां लोको गुरुद्वारा खाते माथुं टेकीने शब्द कीर्तननो लाभ लीधो हतो। ત્યારબાદ ગુરુ કા લંગર પ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વાહેગુરુ જી કા ખાલસા, વાહેગુરુ જી કી ફતેહ। દાસ વિકાસ લાંબા કમિટી મેમ્બર ગુરુદ્વારા ગુરુસિંહ સભા જામનગર। આજ હમ સબ લોગ યહાં સિખો કે 10વે ગુરુ ગુરુ ગોબિંદ સિંહજી ઉનકી જન્મ જયંતી મનાને કે લિયે એકત્ર હુએ હૈં। આજ સુબહ સે હી ગુરુદ્વારે મેં ઇસકો મુખ રખતે હુએ અનેક પ્રકાર કે પ્રોગ્રામ આયોજિત કિયે ગયે હૈં, જિસમેં सुबह 8 बजे जामनगर गुरुद्वारे से एक नगर कीर्तन के रूप में गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल तक एक नगर कीर्तन निकाला गया। वहां जाके गुरु महाराज की छवि को फूल माल अर्पण करने के बाद वह नगर कीर्तन ऑफिस गुरुद्वारे आया है। आज उसके बाद 10 बजे सहज पाठ साहब की संपूर्णता है और उस उपरांत बाहर से आए हुए यानी दिलीप सिंह जी कथावाचक और कीर्तनीय भाई भूपेंद्र सिंह द्वारा 10 बजे से 1 बजे तक कथा कीर्तन के दीवान होंगे। उस उपरांत गुरु का लंगर प्रसाद वर्तेगा। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इसमें कथा कीर्तन के दीवान होंगे, जिसमें भी भाई साहब दिलीप सिंह और भाई भूपेंद्र सिंह अपनी हाजिरी भरेंगे। उसके बाद गुरु का लंगर प्रसाद वर्ताया जाएगा। आप सभी संगत को, सभी दर्शकों को गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती की लख लख बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ाला रहो अब तक साथे।